कल तक तो लंच टाइम में भी टिफिन बॉक्स खोलने का मन नहीं करता था। फिर बॉस ने मुझे दिया राजेश मसाला। इसमें टेस्ट ऐसा है कि टेस्ट ऐसा कि रहा ना जाए। बॉस, इन्हें भी राजेश मसाला चाहिए। राजेश मसाला। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सत्ता, सत्तारी बीमारी कीने ने भी नहीं छोड़ा है। वह एक तरफ तो मौको देवे लोगों की सेवा और दूसरी तरफ मुंह जाड़ में फसार षड्यंत्र रचा दे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। कौन रे? आप तो दावो भी नहीं बनता, फिर भी बन गया आप सीएम। दावो मारो नहीं तो ग्रेट खलीरो बनतो हो। अरे सरकारी नीतियां री रोज आलोचना हो रही है मीडिया रे मायने। कौन सी नीति दद्दू? पिछड़ी जाति ने मंदिर में प्रवेश करवाना गलत है। मिशन स्वाभिमान, स्वाभिमान नव निर्माण की ओर। टीम रोहट में आचार्य राजेंद्र के निबान साहब भदंत धम सारथी, दीक्षा भूमि के पावन सानिध्य में व फिल्म निर्माता हेमंत सिरवी, प्रोड्यूसर रेखा मेवाड़ा की आगामी फिल्म सड़क सीएम फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। इस मौके पर मुख्य कार्यकर्ता नारायण जी, सुनील जी, हंस रमेश, हंस चंद्रा, राम भाटी, अम्बेडकर विकास समिति रोहट अध्यक्ष सोहन गुड़पाल, आनंद पाल आजाद, सूरज भांडू, जगदीश बारूपाल, उर्मिला मेवाड़ा व सड़क सीएम की पूरी टीम मौजूद रही। सड़क टू सीएम जो पिक्चर बनी है, एक महिला प्रधान फिल्म है और महिला का उद्धार के लिए पिक्चर बनाई गई है। धन्यवाद। मैं उर्मिला मेवाड़ा हूँ और रेखा जी की मम्मी हूँ और मेरी बच्ची ने बहुत मेहनत की और अच्छा काम किया और इसका सपोर्ट रहे और भगवान उसको आगे बढ़ाए। सबसे पहले तो मैं रोहट के सभी जो हमारे साथी आए हैं उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। और रोहट की धरती पर हमारा फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है सड़क सु सीएम, तो मैं ये चाहती हूं कि हमारी ये सड़क सु सीएम पूरे राजस्थान में फेमस हो और बस आप सभी पब्लिक का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। और मेरे जो भी यूनिट टीम आई है मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। और राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमको सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज को बहुत ज़्यादा फायदा है क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही मतलब पढ़ाई अनपढ़ रह रही है और उसको आगे बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस फिल्म के ऊपर काम किया है। मतलब एक पिछड़ी जाति वर्ग की जो लड़की है जिसको किस तरह से आगे बढ़ाया गया है और सड़क से सीएम तक का सफ़र किया गया है इस फिल्म में बताया गया है। या हम आए हैं, हमारी मूवी है सड़क सु सीएम आने वाली, उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। मैं राहुल टाक, मैं बीकानेर से हूँ। रेखा जी के साथ पहले भी मैंने काम किया और बहुत अच्छा लगा काम करके, इन्होंने मुझे बुलाया तो अच्छा लगा। और मूवी आप देखिए ज़रूर, इसमें काफ़ी कुछ है, राजनीति के बारे में बताया गया है। इसमें जो नीचे वर्ग की औरत है जो कैसे अपने घर से बाहर निकल के अच्छा काम करती है और कर सकती है, ये पूरे का मॉरल ये दिया गया है सबको कि एक लड़की भी कुछ भी कर सकती है, लड़के के बराबर आके, आदमी के बराबर आके खड़ी हो सकती है। धन्यवाद। हाँ, मैं हेमंत सिरवी इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ और इस फिल्म के जरिए हैं मैंने हम लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की कि भाई जैसे पिछड़े वर्ग लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, जैसे मंदिरों में घुसने नहीं देते हैं, जगह जगह भेदभाव किया जाता है, तो इसको रोकने के लिए हमने पूरी इस फिल्म में दिखाया कि भाई ये नहीं होना चाहिए, सबको एक समानता मिले। तो हमने बहुत कोशिश की है इस फिल्म में, जैसे VFX का भी, जैसे राजस्थानी फिल्म में नॉर्मल होता है लेकिन हमने VFX का भी प्रयोग किया है। और एक राजनीतिक में एक गरीब मतलब पिछड़े वर्ग की लड़की कैसे सफ़र करके सीएम तक का सफ़र करती है और मुख्यमंत्री बनती है, ये हमने इस फिल्म में दिखाया है। भीम आर्मी जोधपुर संभाग प्रभारी हूँ और जो आज ये सड़क से सीएम का ट्रेलर लॉन्च किया गया, इसमें हमें जिस मिशन मूवमेंट को हम लेकर चल रहे हैं इसमें हमें बहुत सहयोग और आगे समाज को जगाने के लिए कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ मैं सभी से निवेदन करता हूं सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मेरा नाम गजेंद्र सिंह मंडली है, मैं पाली का रहने वाला हूं
और ये हमारे रेखा जी मेवाड़ा है, इनकी टीम के साथ मुझे काम करने का मिला सौभाग्य मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत ही गुणी डायरेक्टर हेमंत जी सीरवी साहब का आशीर्वाद मिला, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस फिल्म में ये बताया गया है कि प्रतिभा चाहे कोई भी हो उसको अवसर मिलना चाहिए। और रेखा जी मेवाड़ा ने CM यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया इस फिल्म में, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। एक औरत घर के किचन से निकलकर, रसोई घर से निकलकर किस तरह से वो मुख्यमंत्री बनती है और कितनी बाधाएं आती है, मेरे जैसे खलनायक कितना उसका रास्ता रोकते हैं, कितनी परेशानियां उसके लिए खड़ी करते हैं, और वो सारा इस फिल्म में दिखाया गया। लेकिन आखिर में हिम्मत रख के ये मुख्यमंत्री बन जाती है और समाज को एक संदेश देती है कि गांव ढाणी से निकल कर भी कोई आगे बढ़ सकता है। मैं सपोर्टिंग एक्टर हूं इस फिल्म में। मैं रोहित की धरती को नमन करता हूं और यहां गुरु महाराज पधारे, उन्होंने जो प्रोग्राम रखा उनके चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूं। और रही बात पूरी टीम को बधाई देता हूं, रोहित की धरती के सभी महानुभावों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ बुला के प्रोत्साहित किया और राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक महिला, दलित महिला के ऊपर जो फिल्म बन रही है सड़क सु CM, उसको सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी MX प्लेयर पे ये फिल्म रिलीज हो रही है, सिनेमाघर में आ रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखें और बताएं। और ये फिल्म बहुजन समाज को जिंदा रखने के लिए बनाई गई है, एक मैसेज है कि दलित महिला को कैसे आगे बढ़ाया जाए और दलित समाज के लिए कैसे पिछड़ापन है जो समाज के अंदर जाति का, भेद का, धर्म का जो चलता आया उसको रोकने के लिए फिल्म बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है। मैं DNT राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष आज रोहट में पहुंच करके बहुत अच्छा लगा जो रेखा जी मेवाड़ा ने और उनकी टीम ने एक समाज को संदेश देने की कोशिश की है कि किस प्रकार से बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं उन पर अत्याचार होता है, और ख़ास करके जब हमारे घरों की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो ससुराल जब पीहर पक्ष में रहती है तब तक वो आज़ाद रहती है, लेकिन ससुराल में आने के बाद घरों में इस प्रकार से कैद की कर दी जाती है जैसे वो एक प्रकार की यहाँ पर जेल काट रही है। उनको बाहर निकलना भी गुनाह है, उनको पढ़ना भी गुनाह है, लेकिन इस फिल्म में जाकर के जो संदेश दिया गया है कि एक महिला जो पढ़ लिख करके किस प्रकार से इस समाज को, तानों को सह करके, इस जुल्मों को सह करके एक दिन ऐसा जवाब देती है कि CM कुर्सी तक पहुंच जाती है, तो तमाम टीम को धन्यवाद करते हुए राजस्थान के सभी जो हमारे संगठन से जुड़े लोग हैं उनसे निवेदन है कि सोशल मीडिया में इसको उठाएं, ज़्यादा संख्या में इसको आगे पहुँचाएँ तो हम भी। मेन विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ अपने समाज और अपने लोगों की बात। CM नहीं है साथियों, एक हत्यारा है। चौथा नाम है प्रेम ठाकुर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए News 21 के साथ।